हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं आज मैंने बनाया बहुत ही यमी और टेम्ट मिल्क शेक मैंगो मिल्क शेक तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी मैंने दो बड़े साइज़ के मैंगो लिए हैं और बहुत कच्चे नहीं हैं यानी कि थोड़े पके हुए मैंगो लिए हैं क्योंकि उनका शेक जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है मैंने इन्हें धोकर और इस तरह से देखें काट लिया है चॉप कर लिया है ताकि मेरा मिल्क शेक जो है बहुत अच्छा बने और मैंने इन्हें तकरीबन बीस मिनट के लिए फ़्रिज में रख दिया था अच्छा ठंडा हो जाएगा तो बहुत मज़ेदार सा जो है वो आपका शेक बनेगा अच्छा ये दो साइज़ के मैंने आपको बताया मैंगो हैं मैंने जिसमें से थोड़े से गार्निश के लिए बचा दिए थे बाकी सारे मैंने मैंगो जो है वो जार में डाल दिए अपने और इसके साथ मैं एक गिलास दूध डालूंगी क्योंकि मुझे दो गिलास बनाना है अपना और अपने हस्बैंड के लिए आप क्वांटिटी अपने फैमिली के हिसाब से रख सकते हैं अच्छा मैंने इसमें यूज़ किया है आ, ब्राउन शुगर क्योंकि मैं वाइट शुगर यूज़ नहीं करती हूँ चीनी क्योंकि वो थोड़ा डाइट के हिसाब से मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ दो टेबल स्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है और साथ में अच्छी खासी सी ये बर्फ़ जो कि आपको वीडियो में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है बट मैंने इसमें अच्छी खासी बर्फ़ भी डाली ताकि ये बहुत ही यमी सा और चिल्स सा जो है वो मेरा मैंगो शेक बने यकीन करें आपके इन्हेंस हो जाएगा आपका आ, मिल्क शेक का फ्लेवर अगर आप इसमें ब्राउन शुगर डालते हैं तो अगर नहीं आप जो भी चीनी यूज़ करते हैं तो आप भले चीनी डाल दें क्योंकि मेरे मैंगो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे ज़रा सा तुरश सा था तो मैंने इसलिए इसमें चीनी डाली है वैसे मैं बाज़ दफ़ा नहीं भी डालती हूँ अपने डाइट के साल से सिर्फ फ़्रूट और दूध के साथ भी मैं बनाती हूँ अगर आपको शुगर है तो आप चीनी मत डालिएगा अच्छा इसे बहुत अच्छे तरीके से आपने ग्रैंड करना है इतना कि यह बहुत ही लिक्विडीसा हो जाए मैंने इसमें आ, जो है वो डब्बे का दूध यूज़ नहीं किया है मैंने इसमें प्योर दूध यूज़ किया है और ये देखें अब हमारा यमीसा और कितना क्रीमी अच्छा मेरा किचन बहुत छोटा है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डिस्टरबेंस होती है बट प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिए ये देखें कितना क्रीमी हमारा मिल्कशेक बना है मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है लोग करते हैं कलर ऐड करते हैं आ, कलर इसलिए कि थोड़ा सा जूस का कलर uh, अच्छा आए बट मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया है ऊपर से मैंने कुछ जो मैंगो के पीसेस बचा के रखे थे वो डाल दिए हैं अगर आप कलर अच्छा करना चाहते हैं तो भले आप थोड़ा सा येलो uh, कलर डाल दें उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है बट मैं इसको थोड़ा ओरिजिनल शक्ल में रखना चाह रही थी और ये हमारा यमी सा मैंगो शेक तैयार है मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ कुछ शॉपिंग की है बहुत जल्द वो शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी टेक केयर